विद्यालय को अध्यापकों ने क्यों बनाया राजनीति का अखाड़ा। हर इंसान की हार्दिक इच्छा होती है कि चाहे उसे दो रोटी कम खानी पड़े पर अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देंगे, और हर कोई इसी कोशिश में दिन रात मेहनत करता है, तमाम कोशिश भी करता है, जिसकी जितनी हैसियत होती है उससे बढ़कर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करता है। लेकिन बलिया जनपद के गढ़वार ब्लॉक के त्रिकालपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय त्रिकालपुर नंबर 2 का मामला है, जहां शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। जहां दो शिक्षकों के विवाद को लेकर गाँव वालों ने शिक्षकों से तंग आकर विद्यालय में ताला जड़ दिया। प्राथमिक विद्यालय त्रिकालपुर में काफी दिनों से शिक्षक और प्रधानाचार्य के बीच विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और जूता चप्पल तक चल गया है। बेहतर शिक्षा देने का वादा करने वाले शिक्षक आपस में एक दूसरे को चप्पल से पीट रहे हैं। इसकी पुष्टि सोमकंड शिक्षा अधिकारी ने भी की है। सरकार भी खास तौर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालयों में बेहतर माहौल के लिए प्रतिदिन नए नए प्रयोग कर रही है। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम का भी बना दिया है, ताकि गांव के गरीब तबकों के बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं होंगे। ये मामला काफी दिनों से चल रहा है। शिक्षा विभाग के सारे SDI साहब को, MPRC साहब को, BSO साहब को भी ये मामला बताया गया था। DM साहब के यहाँ हमने खुद ही दरखास्त दिया था, तो जिलाधिकारी महोदय ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड भी किया था, जनसुनवाई पोर्टल पर भी पड़ा हुआ है वो मामला। और DM साहब ने ये आदेश किया था कि BSO साहब नियमानुसार कार्रवाई करके और आख्या प्रेषित करे। तो इसके बारे में कुछ मतलब हम पे देखते रहे तो कुछ आख्या नहीं मिला, और SDI साहब जो आए थे लिखित हम लोगों को दिए कि एक हफ्ते का समय दिया जा रहा है आपको, विद्यालय परिसर पे आए थे तो देने के बाद कोई जांच ना कोई पड़ताल हुआ और प्रधानाचार्य महोदय को सस्पेंड कर दिया गया। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि गांव के जैसे रिंकू उपाध्याय हैं, ये लोग कहते हैं कि हम शासन संस्था में हैं और 4 साल यहाँ पे किसी को कुछ नहीं चलने दिया जाएगा, और ये स्कूल को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। यहाँ पे ये करीब करीब 2 महीने से चल रहा है, और गांव के नागरिक होने के लिए नाते अगर हम लोग वहाँ पे पूछने जाते हैं कि यह सब भाई क्यों हो रहा है, तो गलत सही आरोप लगाया जा रहा है। SDI महोदय के प्रताड़ना और रिंकू उपाध्याय के प्रताड़ना से लेकर के यहाँ पे एक श्रीमती सत्या सिंह सहायक शिक्षा मित्र थी, उन्होंने कल अपना इस्तीफा भी दे दिया है इसी चीज को लेकर के यहाँ पे रोज राजनीति हो रही है। SDI साहब है रिंकू फोन पर यहाँ पे धमकी दे रहे थे कल। जब तक DM साहब और BSO साहब यहाँ पे नहीं आते हैं, हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, तब तक स्कूल पे ताला बंद रहेगा, चाहे इसके लिए हम लोग को किसी भी हद तक जाना पड़े। रविकांत सिंह, ग्राम त्रिकालपुर। आज मामला यहाँ पे आज तालाबंदी हम लोगों के द्वारा किया गया है, जो कि बच्चों को यहाँ पे कहाँ तालाबंदी किया गया? प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 पे। और यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं, इनको गलत तरीके से फंसा के यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है, और उनको फोन पे धमकी दिया जा रहा है रिंकू उपाध्याय द्वारा कि अगर आप लोग स्कूल पे जाएंगे तो आप लोगों के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया जाएगा, ये करा जाएगा। मतलब गलत तरीके से सब बातें बोली जा रही है उनकी तरफ से। हमारे पिताजी अंगनी कुमार सिंह जी उन्हीं को फोन करके बोल रहे थे कि आप मोड़ पे आइए, आपको गोली मरवा देंगे, जान से मरवा देंगे, तमाम तरह की धमकियां दे रहे थे। ये रिंकू उपाध्याय थे, जो कि ये भी मास्टर है, और उनके साल है जो तिवारी जी उनको यहाँ पे कराना चाहते हैं। इसको SDI जी को फोन किया गया, BSO को फोन किया गया, तो लोग बोल रहे हैं कि इस मामले पर राजनीति न करिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन शिक्षा देने वाले शिक्षक बाखूबी अपना फर्ज नहीं निभाते। अगर शिक्षक अपना फर्ज निभाते तो आज विद्या के इस मंदिर को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाते और ग्रामीण विद्यालय में तालाबंदी नहीं करते। दो शिक्षकों के विवाद में विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कई महीनों से बाधित हो रहा था। ग्रामीणों ने शिक्षकों के विवाद को कई बार सुलझाया भी था, लेकिन राजनीतिक चक्कर दोनों शिक्षकों ने शिक्षा को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। शिक्षकों के विवाद में मासूम बच्चों का भविष्य अदर में लटका दिया दिखाई दे रहा है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने बताया कि मुझे फर्जी तरीके से फंसा कर मेरे पद से बर्खास्त कर दिया, और ग्रामीणों का भी यही कहना है कि प्रधानाचार्य निर्दोष है। बाबा उन्हें यहाँ से हटाने के लिए अन्य शिक्षकों के द्वारा फर्जी तरीके से फंसा कर विद्यालय के पठन पाठन को बाधित किया जा रहा है। हालांकि मामले के बारे में जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय से पूछा गया तो उन्होंने
मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैं दोनों टीचरों को उस विद्यालय से हटाकर दूसरे दो नए शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। जांच में जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, ये प्राथमिक विद्यालय पिकालपुर नंबर दो का प्रधानाचार्य हूँ। मैं 2009 से यहाँ पर कार्यरत हूँ, जो कि जब से 2016 से जब तक दो ये आलोक रंजन तिवारी और अन्य जो भी मैं छोटे ये सब लोग आए, तब से ही हमारे संस्था को ये प्रदूषित करते जा रहे हैं। और ये लोग समय से आते नहीं हैं, मनमानी करते हैं और सीएल लगा देते हैं ताकि हम कहते हैं कि छुट्टी पर है, लेकिन जब हम मैं लिखते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। और सीएल के जगह पर वे लोग जो है अपना उपस्थिति बना लेते हैं। ये मैं उच्च अधिकारी जो है एसडीआई महोदय से कई बार कहा, कहने के बाद जो है एक बार उन्होंने आया और आने के बाद जो देखा तो चार दिन का जो है एब्सेंट लगा दिया। और उस दिन और एक दिन 7/9/2017 को मैं छुट्टी पर था और उस दिन जो तीनों लोग थे, जबकि वो उपस्थित पंजिका को फाड़ दिया गया, दो पन्ने को निकाल दिया गया। आने के बाद मैंने जो है बताया तो वे लोग जो है एसटीआई महोदय को बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है लिखित दीजिए। लिखित देने के बावजूद भी आज तक वो आए नहीं कि क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं, अपने थाने में FIR करा दीजिए। मैं FIR भी करा के अपने पास रखा हुआ, लेकिन FIR हुआ नहीं। और आए दिन से मतलब ये जो है परेशान करते रहे, मुझे प्रताड़ित करते रहे और एसडीआई भी मुझे प्रताड़ित करता रहा। और जो कि ये वो जो है पहले सुनियोजित ढंग से ये लोग चाहते थे कि मैं इनको छेड़खानी में आरोप लगाए और लगा करके इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। और ये यहाँ का जो लोकल जो व्यक्ति है उनके ये रिश्तेदार है आलोक रंजन तिवारी, जो कि उन लोगों का सुनियोजित है कि इनको हट जाने से, ये जिसे रिंकू उपाध्याय है और इनके साले जो है आलोक रंजन तिवारी है। ये रिंकू उपाध्याय जो है वो टीचर है, हैं। और आलोक ये भी जो है हमारे यहाँ टीचर है, आलोक रंजन तिवारी इनके साले हैं, जो कि हमारे विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं। आज तालाबंदी हुआ है कि हम पर ये एसडीआई महोदय ने आए थे तो कहे कि नहीं ठीक है ये तालमेल बढ़िया से रखो, गांव के लोगों से कहा। और ये 21 तारीख गांव के लोगों को मैंने समय भी दिए थे और हमको जो है गलत जो है ये फंसा करके छेड़खानी में असली हरकत में दिखाए हैं और उसको जो है लगाकर हमको सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल जो है ये गलत है, बेबुनियाद है, सरासर गलत है। और ट्रांसफर भी कहीं किया गया था, हाँ ट्रांसफर किया गया था उसकी, ये नवादा में प्रधानाचार्य ये पद स्थानांतरण किया गया था। और उसमें हुआ था इंग्लिश मीडियम में कि हम वो फार्म भरा जाता है और इंटरव्यू होता है, तो मैंने ना फार्म भरा और न ही इंटरव्यू दिया। उनकी मंशा थी कि ऐसे नहीं जाते हैं तो ऐसे चले जाए, हाँ गलत तरीके से नहीं दिया, नहीं जब हम गए तो दूसरे आरोप लगा कर हमको सस्पेंड कर दिया। मैं अवधेश कुमार राय, मैं खंड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल के रूप में हूँ। क्या मामला ऐसा यहाँ तालाबंदी की गई, वजह क्या है? यहाँ आज ही मुझे आप लोगों के माध्यम से पता चला कि इस विद्यालय में जो है गांव वालों ने, अनिल कुमार यहाँ पर प्रधानाध्यापक हैं, उनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई हुई है उसको लेकर के गांव वालों ने यहाँ पर तालाबंदी की है। अभी मैं 15 दिन पहले आया था इस स्कूल का, मैं 5 बार एक साल के अंदर मैंने 5 बार भ्रमण किया है। अब 5ों बार मुझे इस कारण आना पड़ा कि यहाँ पर शिक्षा मित्र और अध्यापकों के बीच आपस में वैमनस्यता है और मारपीट भी होती रहती है। अभी 15 दिन पहले यहाँ पर एक शिकायत हुई, चाहे वे शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने एक जिलाधिकारी के महोदय के फोरम पर और बीएसए महोदय के फोरम पर एक शिकायती पत्र इस आशय के दिया कि मेरे साथ जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार और उनकी सह शिक्षा मित्र सत्या सिंह ने उनके साथ मारपीट की। और इसके प्रूफ के रूप में उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट सौंपी और वो मेडिकल रिपोर्ट जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रत्सड़ से निर्गत की गई थी, जिसमें चोटों इत्यादि को दिखाया गया था। उसके सिलसिले में मैं यहां पर आया और बयान लिया प्रधानाध्यापक महोदय का और लोगों का। और लिखित बयान में प्रधानाध्यापक अनिल कुमार ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ साहब, मेरे प्रति जो है माया चौबे जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी और उस टिप्पणियों को लेकर के सत्या सिंह ने उनको 4-5 चप्पल पीट दिया। और जबकि माया चौबे का यह कथन था कि साहब सत्या चौबे नहीं मारपीट करने के लिए तैयार थी, अनिल कुमार प्रधानाध्यापक ने उनको उकसा करके और गाली भद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको उकसाया और उनसे हमको पिटवा दिया। चूंकि मारपीट हुई और इस बात को स्वीकार किया अनिल कुमार जो प्रधानाध्यापक है, उन्होंने भी स्वीकार किया कि यहां साहब मारपीट हुई।